चलो जी, तो फिर आज चलेगा हम लोगों का लेंस फॉर्मूला ही, कन्वेक्स लेंस और इमेज वर्चुअल, ठीक है। जिसने नहीं किया वो देख लो, कल हम लोगों ने किया था कन्वेक्स लेंस और रियल इमेज, और इमेज स्टडी कर ली है कल हम लोगों ने। तो कन्वेक्स सबसे पहले तो लेंस है, तो लेंस बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से एक लेंस बना दिया कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स लेंस बना दिया। और क्या करना पड़ेगा, उसका सेंटर देखना पड़ेगा। तो ये लाइन ले ली और एक प्रिंसिपल एक्सिस ली और ये पॉइंट होता सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है आप लोगों को कहाँ पे रखना पड़ेगा, एफ और टू एफ के बीच में, एफ और सॉरी सी के बीच में। तो इधर आप लोग ऑब्जेक्ट रख दो, कल बनाए तो थी इमेज हम लोगों ने, और क्या हुआ ये देखो, ए और बी इधर से रह जाएगी इस तरफ, और फिर फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, और क्या करना पड़ेगा, देखो फोकस से पास करेगी और आप लोगों को सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवानी पड़ेगी, यही होता है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी कुछ इस तरह से जाएगी। तो ये क्या है, ये इस तरफ मीट नहीं करेगी, लेकिन बैक साइड ये मिलती है, तो बैक साइड कहां पे मिलेगी, जरा इनको इस तरह से, ये देखो इस तरह, ठीक है, और ये इस तरह से इस पॉइंट पर मिलेगी। जिस पॉइंट पर ये मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश, बोलो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। डायग्राम थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि आप लोग अच्छे से लेना स्केल से लाइंस, और वो मिलेंगी पीछे, ठीक है, इधर थोड़ा काम चलाने के लिए बन गया हम लोगों का डायग्राम। तो ट्राइंगल्स आप लोग सबसे पहले सी को अज्यूम करके ट्राइंगल्स लेंगे इमेज और ऑब्जेक्ट के साथ। तो ट्राइंगल आप लोग ले लें ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल बोल रहा हूं मैं, देखो ए, ये है हम लोगों की ए बी, ठीक है, ए बी और ये है सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। सिमिलर क्यों बोल रहा हूँ, सिमिलर इसलिए बोला जा रहा है, राइट, एक एंगल ये और ये एक एंगल देखो 90 डिग्री, ये तो कॉमन ही आ रहा है, ये तो तीसरा भी कॉमन ही हुआ, फिर सेम होगा, अगर तीन एंगल सेम आ रहे ट्राइंगल के, ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। इस करके इमेज ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश विच मीन्स परपेंडिकुलर, और इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू बेस, ए डैश बी डैश का बेस। अच्छा इधर कई बार ना स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं, ऊपर देखो इमेज वाली ट्रायंगल ले रहे हैं तो बेस भी इमेज वाले का लेना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो याद आएगा सी ए डैश और ए बी, ए बी सी ट्रायंगल ये सी ए, ठीक है जी, इसको मान लिया इक्वेशन वन। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ट्राइंगल लेनी पड़ेगी आप लोगों को एफ के साथ इमेज और ऑब्जेक्ट की। तो ट्राइंगल लेते हैं ए डैश बी डैश एफ, देखो ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल ये पॉइंट ले लो एम, देखो एम सी एफ, एम सी एफ, और ये जो एम सी है ना ये ए बी के इक्वल ही है, ठीक है। तो फिर से आप लोग इमेज ओवर ऑब्जेक्ट करोगे ए डैश बी डैश ओवर दिस इज एम सी। अच्छा इधर फिर से आप लोग लिखोगे कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एम सी एफ आर सिमिलर, और सिमिलर लिखने के पीछे का लॉजिक फिर से आएगा कि एंगल ये देखो 90 डिग्री, ये सॉरी ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, देखो एम सी एफ का और ए डैश बी डैश एफ का एक ना एंगल 90 डिग्री, एफ फिर से कॉमन, समझ आ रही ना, दोनों में कॉमन, तो थर्ड एंगल भी आप लोगों का कॉमन, डाउट तो नहीं, ठीक है। तो देन फिर आप लोगों का क्या बन गया, आर सिमिलर बन गए, तो फिर हम लोगों ने लिख लिया इमेज ओवर ऑब्जेक्ट, सो ए डैश बी डैश ओवर एम सी, और नीचे लिख लेंगे बेस, तो इसका बेस क्या बन गया एफ ए डैश, और नीचे बन गया एफ ऑफ सी, और ये इक्वेशन टू नहीं, अभी थोड़ा और काम कर लेते हैं इस पे, इसको लिखेंगे देखो ए डैश बी डैश और एम सी, एम सी किसके इक्वल होगा, ए बी, एम सी इज इक्वल टू ए बी, आप लोगों ने लिखनी है बातें, एम सी इज इक्वल टू ए बी, तो इस एम सी को मैं लिखने वाला हूं ए बी, और एफ ए डैश इसको भी ब्रेक करके लिखेंगे हम लोग एफ
ए डैश सारा डिस्टेंस आप लोग सी से मेजर करते हैं, सो एफ से लेकर ये जो ए डैश डिस्टेंस है ये सारा डिस्टेंस है, देखो इसको लिखेंगे ऐसे सी एफ प्लस सी एफ प्लस सी ए डैश ओवर एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी को कैसे करने वाले आप लोग, एफ ऑफ सी को सी एफ लिख लो, इसको आप लोग इक्वेशन टू दे। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, देखो वन और टू आप लोगों की दोनों ही ये होता है a डैश b डैश ओवर ए बी इतना है, तो ये होता है a डैश b डैश ओवर ए बी इसके इक्वल है। सो इसका मतलब इधर से a डैश b डैश ओवर ए बी की वैल्यू ये जो है इधर आप लोग पुट कर दें तो क्या बन जाएगा c a डैश, आप लोग लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये बात लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट c a डैश ओवर c a, ठीक है c a डैश ओवर c a इज इक्वल टू c f प्लस सी ए डैश ओवर सी ऑफ एफ। बोलिए डाउट तो नहीं भाई, अब छोटी सी साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या बोलती है कि सी से ए डैश जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सी से ए डैश माइनस बी, पता लगा ना सबको। देखिए इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट इस तरफ है, रेज इस तरफ, हम लोग सी से उल्टा काम कर रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव लेना है। और सेकंड आ गया सी से ए माइनस यू, यस सर राइट, सी से ए इज माइनस ऑफ यू और सी से एफ सर माइनस ऑफ प्लस है, सी से एफ आप लोगों का प्लस का आएगा, ये है फोकस, ये सी से एफ ये वाला फोकस कंसीडर करना है, सी से एफ इज प्लस का एफ और बाकी आई थिंक कुछ भी नहीं है ये, है ना। तो ये सारी वैल्यूज आप लोग ही इस पर पुट करेंगे तो सी ए डैश की जगह क्या आने वाला है, सी ए डैश की जगह आने वाला है माइनस ऑफ बी, ठीक है, और सी ए की जगह क्या आने वाला है माइनस का यू, और सी एफ की जगह प्लस का एफ, और सी ए डैश की जगह माइनस का वी, और सी एफ की जगह प्लस का एफ, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे थोड़ा बहुत जो आता है, इसको मैं बता रहा हूँ, इससे नेक्स्ट काम उधर कर देते हैं। पहले आप लोग क्या कर लो, अरेंज कर लो इसको, देखो इससे नेक्स्ट काम इधर किया जा रहा है, ये जो इक्वेशन है इसमें देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया ना, और क्या बना एफ से बी को मल्टीप्लाई करोगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इसको, ये बन गया वी इंटू एफ, ठीक है, और इधर आप लोग u से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले u से f को किया तो यू एफ बन गया, और फिर u से आप लोग माइनस वी को करोगे तो माइनस यू बी बन गया, फिर आप लोग लिखोगे डिवाइड बोथ साइड विद यू बी एफ, तो यू बी एफ से डिवाइड कर लो बोथ साइड, तो देखो यू बी एफ और यू बी एफ एंड यू बी एंड एफ, सो यू बी से यू बी गया, UF से UF गया, BF से BF गया, क्या बचा 1 over U is equal to 1 over V minus 1 over F, अरेंज करना पड़ेगा, F को इस तरफ लेकर आ जाओ, इस तरफ बन गया 1 over F, U को दूसरी तरफ लेके गए तो नेगेटिव का minus 1 over U plus 1 over V, which is the lens formula for convex lens having virtual image, क्लियर हुई बात। तो इस तरह से आप लोगों का लेंस फॉर्मूला कन्वेक्स लेंस के दोनों केसेस रियल और वर्चुअल का हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों का आएगा कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस की डिटेल हम देन नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों का कनकेव लेंस, ठीक है, यही है इसी का, इसी के लिए बोलो रिकॉर्डिंग के लिए बोलो। तो कनकेव लेंस आ गया और कनकेव लेंस आप लोगों ने ये बना दिया, देन प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट रखा, देखो इस पॉइंट पे ए बी, इधर से एक रेगी स्ट्रेट और इधर से होगी डाइवर्ज, वो जो डाइवर्ज हुई उसी को बैक लिया, बैक लेने का डाइवर्ज रह गई फोकस है, और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है इधर से, थोड़ा सा इधर से मैंने की 100 और बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, सी से पास करेगी और जिस पॉइंट पे दोनों लाइन कट करेंगे उधर आ जानी आप लोगों की कनकेव लेंस, और इमेज तो आपको पता है इसमें सिंगल ए की होनी है, दैट इज वर्चुअल ही इमेज होगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगी, सबसे पहले ट्राइंगल
सी को कॉमन मान के ले रहे हम लोग, तो सी को कॉमन मान के ले लो, देखो ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी, राइट ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर, और सिमिलर के पीछे का लॉजिक फिर से वही आने वाला है, एक इसका एंगल 90 डिग्री, सी एंगल दोनों ट्राइंगल का कॉमन है, थर्ड एंगल फिर से इक्वल होगा, इस करके आप लोगों की ट्राइंगल बनी सिमिलर। फिर आ गया इमेज और ऑब्जेक्ट, सो इमेज क्या आ गया, इमेज इज ए डैश बी डैश और ऑब्जेक्ट कितना आ गया, ऑब्जेक्ट इज ए बी, ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू बेस, सो ए डैश बी डैश सी का बेस क्या आ गया, सी ए डैश और ए बी सी का बेस क्या आ गया, सी ए, सी ए, इसको आप लोग मान लो इक्वेशन वन, और दूसरी तरफ ले लो ट्राइंगल्स एफ को कॉमन मान के, ये है एफ को कॉमन मान के, तो एफ को कॉमन मान के एक आगे ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, और इस पॉइंट को हम लोग मानेंगे एम, तो ट्राइंगल आगे एम सी एफ, आर अगेन सिमिलर, आर सिमिलर, और सिमिलर के पीछे की एक्सप्लेनेशन आप लोग फिर से दे दोगे, क्योंकि एक तो राइट एंगल एंगल दोनों पे आ रहा है 90 डिग्री का, ये इस पॉइंट पे 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का, और एफ एंगल कॉमन आ रहा है, डाउट तो नहीं आ रहा किसी को, अच्छा ये हो गया। तो फिर आप लोग इमेज ओवर ऑब्जेक्ट की रेशियो, सो इमेज इज ए डैश बी डैश और ऑब्जेक्ट इस बार एम सी इज इक्वल टू आप लोगों के लिए एफ है, तो ए डैश बी डैश एफ में क्या आ गया, एफ ए डैश ओवर राइट सी एफ ले लो या एफ सी जो करना, देन इधर ही काम कर देते थोड़ा सा, ये क्या है आप लोगों का जो एम सी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए बी, ये एम सी ए बी के इक्वल है, पैरेलल लाइन जा रही, तो उसको कर दिया ए बी के इक्वल, और एफ ए डैश ये थोड़ा सा काम इधर हम लोगों ने करना, ये तुम लोग देखना चाहते राइट, एफ ए डैश ये है, कैसे लिखेंगे, सी से एफ तक आ जाएंगे, सी से एफ तक आ गए, पर इस पर माइनस करेंगे, क्योंकि सी से एफ तक आए एक्स्ट्रा ले लिया आप लोगों ने, सी से ए डैश को माइनस कर लो, सी ए डैश, इस पर डाउट नहीं आ रहा किसी को, सी एफ माइनस सी ए डैश और नीचे तो सी एफ, सो अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर टू, फिर से क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, आ रही ना बातें समझ, तो फ्रॉम वन एंड टू व्हाट वी गेट, ये आपकी बन गई है सेकंड, ठीक है, और ये है हम लोग की फर्स्ट, और वन और टू से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, वन और टू से आप लोग कंपेयर करो जल्दी से और देखो कितना आता है वन और टू का, चेक करो जल्दी से, बनने की बात है, तो वन की वैल्यू है सी ए डैश ओवर सी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये देखो सी एफ, C of F minus C A dash over C F, बोलिए हाँ, then आप लोग क्या करोगे, sign convention use करोगे, और sign convention पे क्या होने वाला है, सारे minus, सारे minus, right, sign convention पे सारी चीजें negative आने वाली है, सब कुछ इस तरफ ही आ रहा है, तो सबसे पहले C A dash को आप लोग लोगे minus V, और C F को लेने वाले हो minus का F, और सी ए को क्या लोगे, सी ए को लिया जाएगा माइनस का यू, सारी वैल्यूज आप लोग इस इक्वेशन पे पुट करें आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, समझ आ रही ना बातें, तो आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग इस पर सारी वैल्यूज डालने वाले हैं, तो सारी वैल्यूज इस पर ऐड करते हैं, देखो सी ए डैश की जगह क्या आने वाला है, दैट इज माइनस बी, बोलिए सी ए की जगह माइनस का यू, सी एफ की जगह माइनस का एफ, सी माइनस का बी तो माइनस माइनस प्लस बी बन गया, और नीचे माइनस का एफ, डाउट नहीं आया किसी, हाँ नेगेटिव से नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इससे नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया, माइनस एफ बी, और ये चला गया इस तरफ, तो ये बन गया माइनस एफ यू प्लस यू बी, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यू बी एफ से डिवाइड करना है, UVF से डिवाइड किया, इसको भी UVF से डिवाइड किया, इसको भी UVF से डिवाइड किया, F of B कट गया, minus 1 over U बचा, FU कट गया, FC कट गया, minus 1 over V बचा, और
प्लस का यूवी से यूवी कटा, वन ओवर एफ बचा, वन ओवर बी इस तरफ भेज दो, वन ओवर एफ को यही रखा, सो वन ओवर एफ ये माइनस वन ओवर यू पहले से इस साइड और ये इस तरफ गया तो प्लस का बन गया। सो आप लोगों का बन चुका है लेंस फॉर्मूला, वन ओवर एफ इक्वल टू माइनस वन ओवर यू प्लस वन ओवर बी। तो इसके साथ लेंस फॉर्मूला हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीनों तीन केसेस बनने याद रखना। फर्स्ट केस आप लोगों का गया था कन्वेक्स लेंस रियर इमेज, सेकंड गया कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज, थर्ड गया कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज, और सारे हैं मिरर फॉर्मूला। पॉइंट याद रखने वाला क्या है इसपे कि यू के साथ नेगेटिव आता है, ठीक है, वन ओवर एफ इक्वल टू माइनस वन ओवर यू प्लस वन ओवर बी, क्योंकि मिरर फॉर्मूले हमने किए थे वन ओवर एफ इक्वल टू वन ओवर यू प्लस वन ओवर बी आ रहा है। डाउट नहीं आ रहा है, माइंड पे रखना है बातें। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं अभी सॉल्व। यस सर।